सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो आज क्या है, एक थर्सडे है और 8th डे ऑफ क्वारंटाइन. सो कैसे आप लोग दोस्तों, आशा करता हूँ दिन तो अच्छे से ना गुजर भी रहोगे पर टाइम पास आपको कर ले लोगे. और अब करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं हमारे पास. खैर ये ऐसी बात है कि अब क्या बोलूँ आप लोगों को, अब ये नहीं बोलूँगा रोज़ रोज़ या आप लोग को कोई भी बोले कि नहीं भाई आप तो घर में रहना है, घर में रहिए बेशक, पर अब ये बोलूँगा मैं आपको कि आपके आसपास वो जो जुबली जमात ना क्या जमात है, ऐसे लोग सुना है मैंने कि हमारे शहर में भी आ गए हैं, तो इन लोगों से सावधान रहिए, लोगों को सावधान कीजिए, बस इतना ही. क्योंकि ये जो पेंडेमिक जो फैल गया है ना, इसको बहुत बहुत हद तक कि अब हमें रोकना ही है, नहीं तो लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा, लोगों को भूखमरी से मरना पड़ जाएगा. तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये लॉकडाउन पीरियड को बढ़ने नहीं देना हमें, हमें इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करना है. तो और पब्लिकली भीड़ में जाने से बचे, और ऐसे समय जाए जब भीड़ ना हो तब ख़रीदारी कर लीजिए घर के लिए, राशन सब्ज़ी वगैरह के लिए, है ना. और बाकी सावधान रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, है ना, हैंड वॉश, दस्ताने और ग्लव्स वगैरह और मास्क, हेलमेट सब धारण करके ही बाहर निकलिए. छूइए मत किसी को, किसी से कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, सामान खरीदते समय करेंसी उनको प्रॉपर घर में आके धूप दिखाइए, प्लास्टिक में लेके आइए सामान वगैरह, और प्लास्टिक को बाहर डिस्पोज कर दीजिए, सामान धो लीजिए बाद में जैसे जैसे इस्तेमाल करते हो. तो इस तरह से हम इस पेंडेमिक को कम से कम अपने तक लगने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लग गया तो हमारे परिवार को लगेगा और बहुत खतरा हो जाएगा. हमको पता होना चाहिए, चूँकि हमको लक्षण ही इतने दिन बाद आता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सावधान रहना है, क्योंकि हम बेखबर रहेंगे इस रोग से और हमें तब पता चलेगा जब ये एडवांस स्टेज में हो जाएगा. इसलिए दोस्तों सावधानी में ही भलाई है. तो एक बात और है, आज चूँकि रामनवमी भी है, तो आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएँ, आपके परिजनों के लिए सुखमय प्रार्थना, और हम सभी के लिए, आप इस देश के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए. बस इतना ही, माँ दुर्गा के लिए के प्रति आज हमारा आखिरी श्रद्धा है उनको, और प्रार्थना यही करना है हमें कि हम सब मनुष्य जाति इस पेंडेमिक से जल्दी निकल जाए. बस हमें निकलना है दोस्तों, और निकलना है, हाँ बस. सो ध्यान रखिए दोस्तों. और देखिए आज तो मौसम भी बहुत गर्म है, चलिए इस मौसम की हमें आवश्यकता भी थी. तो बस वायरस इस मौसम में ये बढ़ ना पाया, तो ठीक है. बारिश वगैरह बिल्कुल हम कल्पना ना करें. दिल्ली में बढ़ने के और भी कई कारण हैं, वहाँ भी मौसम बारिश हुआ है बीच में काफ़ी. जो लोग पैसे वाले वो तो बचे रह गए, पर गरीब बेचारे और जो ये बेफिजूल के लोगों के, मौलानाओं के इसमें आके एक जगह जमा हो गए, ठीक है, सरकार ने उनको रुकवा दिया या कहीं बोल दिया कि मूवमेंट नहीं करना है. अरे पर पुलिस थाने में जाके सेपरेट या जैसा भी अपना, भीड़ से तो बचना था, ये चीज़ तो शुरू से बोला गया है, भीड़ में क्यों रह गए यार, इधर उधर किराए में लेके रहते, रेलवे स्टेशन में रहते, कहीं भी रहते पब्लिक प्लेस में, तो आपको उठा लिया जाता है, जो भी जेल में रहते. पर इस तरह रोगों के हवाले अपने आप को कर दिया, और परिवार में और पूरे दूसरे 18 शहरों में अपने ये चीज़ का एक चेन रिएक्शन बना दिया. अरे खैर, आशा करता हूँ कि हम इससे निपट लेंगे फिर भी, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को तो नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी हमको थर्ड स्टेज में जाने का बहुत खतरा पड़ गया है. देखते हैं आने वाले सप्ताह में क्या होता है. तो दोस्तों बस यही तक के, और पूजा पाठ कीजिए माता के प्रति, आज आराधना रखिए, दिन भर प्रार्थना कीजिए, हमें माता इस मुसीबत से सिर्फ वही निकाल सकती है. तो फिर मिलते हैं दोस्तों, होप करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ वीडियोस पुराने या जो पिक्चर्स हैं वो भी आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए मैं आज पेश करता हूँ, देखिए एंजॉयमेंट कीजिए. साथ में आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी कल्पना, ट्रेन लाइनें खुलने वाली है, रिजर्वेशन चालू हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि पीक टाइम रहेगा पहले हफ्ते जब खुलेगा, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा अगेन भीड़ से, क्योंकि सैनिटाइजेशन होने के बाद भी भीड़ में अगर उस दौरान भी किसी में लक्षण आ गया और तो फिर महामारी का रूप लेगा. तो हड़बड़ी मत कीजिएगा, अपने अपने शहरों में आने के लिए रिजर्वेशन रुक के कीजिएगा, कहीं भी जाना हो तो भी रुक के रिजर्वेशन कीजिए, है ना. इवन लॉकडाउन पीरियड अगर बढ़ गया तो आपको टिकट्स कैंसिल करने पड़ेंगे, रिफंड हो या ना हो तो बात की बात है, तो सावधानी से.
और देश के लिए हो सके तो थोड़ा सा डोनेशन भी आप लोग कीजिएगा। कुछ प्रजाति के लोग हैं शायद उसको उनको करना ऐसा लगता है कि भाई हम व्यर्थ करेंगे उस पैसे को, तो फिर भी आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप अपने आस पड़ोस में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जो गरीब हैं जिनको खाने के अभी बंदे पड़े हैं उनको आप हेल्प दीजिए, बस इतना ही है ना। और किसी का पेमेंट मत काटिए, जो घरेलू नौकर चाकर है आपके, है ना, उसे यथास्थिति रहने दीजिए, है ना। अगर ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ता है तो ठीक है, आप भी प्राइवेट एम्प्लॉयर की तरह आधा पैसा दीजिए आधा रोक दीजिए बस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से। ओके देन, बाय।